हर किस्म के फ्री लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल साहिल ऑर्गेनाइजेशन। आज हमारा सॉफ्टवेयर अडोब फोटोशॉप। फोटोशॉप कितने यूज़ किया जाता है? फोटोशॉप यूज़ किया जाता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, ठीक है। इसके अंदर आप पिक्चर्स की एडिटिंग पे पिक्चर्स पे एडिटिंग करते हैं, पिक्चर्स के ऊपर काम करते हैं, वॉलपेपर वगैरह चेंज करते हैं, कलर वगैरह चेंज करते हैं और बहुत से काम करते हैं इसमें, ठीक है। तो आप फोटोशॉप का कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। सब में काम एक जैसे ही होते हैं, सिर्फ कुछ ऑप्शंस चेंज होते हैं। हम जो फोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं वो है अडोब फोटोशॉप पोर्टेबल, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है इस तरह से, ठीक है। अब हम आज फोटोशॉप के अंदर लेक्चर नंबर 5 चेंज मैच बैकग्राउंड विद सीनरी करने वाले हैं। ये आपके टॉपिक का नाम है, यानी कि हम किसी भी दूसरे वॉलपेपर या सीनरी के जरिए आपकी पिक्चर का बैकग्राउंड जो है वो चेंज करना बताने वाले हैं, ठीक है। यानी किस तरह से आप किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड किसी दूसरी पिक्चर या वॉलपेपर के साथ या सीनरी के साथ चेंज कर सकते हैं। तो हम पिक्चर के ऊपर काम करने वाले हैं, तो पहले हमें पिक्चर चाहिए होगी। तो पिक्चर लेने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से फाइल मेन्यू में जाएंगे। फाइल मेन्यू में जाने के बाद आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ओपन, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ओ, ठीक है। यहाँ से आप कीबोर्ड से कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे तब भी आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ओपन में जाने के बाद आप यहाँ से क्या करेंगे, कोई भी पिक्चर सिलेक्ट कर लेंगे। मैं कोई भी पिक्चर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं पिक्चर चेक कर रही हूँ, उसके पीछे आप कोई भी पिक्चर चेंज करके लगा सकते हैं, कोई भी वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने पिक्चर सेलेक्ट कर ली। अब इसके पीछे मुझे क्या है, सीनरी या कोई दूसरा बैकग्राउंड चेंज करना है, कोई वॉलपेपर वगैरह लगाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अब अपने पिक्चर लेने के बाद यहाँ पे आपके पास देखें लेयर ऑप्शन के अंदर आपकी पिक्चर क्या है, लॉक्ड है। जब तक आप इसे अनलॉक नहीं करेंगे तब तक आपका काम, कोई भी इसके ऊपर आप काम नहीं कर सकते, टूल यूज़ नहीं कर सकते। तो इसे अनलॉक करेंगे किस तरह से, आप डबल क्लिक करेंगे पिक्चर की लेयर के ऊपर, यहाँ पे अपनी लेयर का नाम कोई भी रख के इसे ओके कर देंगे, तो आपकी पिक्चर क्या हो जाएगी, अनलॉक हो जाएगी। अब देखिए, सबसे पहले मुझे इस पिक्चर का जो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड आ रहा है इसको रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने से पहले मुझे इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, अब एक और मैं आपको तरीका बता रही हूँ सिलेक्शन के, जैसा आपने पीछे ब्रश टूल के जरिए सीखा, पॉलीगॉन टूल के जरिए सीखा, तो सिलेक्शन सीखी। अब हम आज दूसरे टूल का यूज़ बताएंगे कि आप किस तरह बाकी टूल्स को यूज़ करते हुए सिलेक्शन कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। तो हम सबसे पहले आज यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम ले लेंगे क्विक सिलेक्शन टूल। ये भी सिलेक्शन के टूल के तौर पर यूज़ किया जाता है, इसकी शॉर्टकट की है W। आपने क्या करना है, यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल लेना है। जैसे ही आप क्विक सिलेक्शन टूल लेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऊपर प्रॉपर्टीज बार में प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एड टू सिलेक्शन प्लस का साइन बना हुआ है, इससे क्या होगा कि आप सिलेक्शन आपकी होगी, ठीक है। तो आप यहाँ से एड टू सिलेक्शन वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आप पिक्चर के ऊपर क्लिक करते जाएंगे तो देखें थोड़ा थोड़ा पार्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ब्रश का साइज छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो वही कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ आप कर सकते हैं। इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा सिलेक्ट करके अपना जो है ब्लैक बैकग्राउंड जो है पिक्चर का वो सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे इस ब्लैक बैकग्राउंड को रिमूव करना है, तो इसको रिमूव कर लेंगे के लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से हम डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे इस तरह से, ठीक है। कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे। अगर देखें, अगर आपकी सिलेक्शन ज़्यादा हो जाती है, जिसमें देखिए मेरी सिलेक्शन यहाँ पिक्चर के ऊपर भी चली गई है, तो इस सिलेक्शन को रिमूव करने के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, ठीक है। और जहाँ जहाँ क्लिक करेंगे वहाँ से हमारी सिलेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरह से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन करने के बाद आपने क्या करना है, कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर देना है। तो देखिए, आपका जो बैकग्राउंड था ब्लैक कलर का वो रिमूव हो गया। अब बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद आपने क्या करना है, सिलेक्शन को भी रिमूव करना है। तो सिलेक्शन को रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से। अब देखिए, आपका थोड़ा बहुत जो है एक्स्ट्रा बैकग्राउंड रह जाएगा। तो उस एक्स्ट्रा बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, रेजर टूल सेलेक्ट करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की है E। रेजर टूल सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, जो आपका थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड आ रहा है ब्लैक कलर का, आप उसे क्लिक करके रिमूव कर देंगे। आपको नज़र आ रहा है इस तरह से। और अगर उसी के साथ आपकी पिक्चर भी रिमूव हो जाए
तो देखिए इसका मेरी पिक्चर भी बाय मिस्टेक रिमूव हो गई है, तो इसको वापस लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और ब्रश होता है जिसका नाम है हिस्ट्री ब्रश टूल। आप ये हिस्ट्री ब्रश टूल लेंगे जिसकी शॉर्टकट की वाई, ये क्या करेगा जैसे आपकी पिक्चर पहले ही उसी तरह कर देगा, यानी कि पिछले काम को वापस लेकर आ जाएगा। तो इस तरह से आप एक्स्ट्रा बैकग्राउंड रेजर टूल के जरिए रिमूव कर सकते हैं, और अगर आपका कोई काम ज़्यादा रिमूव हो जाए तो उसको आप क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ करते हुए वापस ला सकते हैं। इस तरह से ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमने बैकग्राउंड रिमूव किया है इसके इस पिक्चर को किसी दूसरे बैकग्राउंड के ऊपर सेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा यहाँ से फाइल में जाएंगे, ठीक है। फाइल में जाने के बाद यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ओपन, क्योंकि अब हमने कोई भी सीनरी या वॉलपेपर उठाना है एज अ पिक्चर के तौर पे। उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल मेन्यू में जाने के बाद यहाँ से ओपन सेलेक्ट करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल हो, आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं कीबोर्ड से। ओपन में जाने के बाद आप यहाँ से क्या करेंगे, कोई भी वॉलपेपर या कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे जिसके ऊपर आप इसे सेट करना चाहते हैं, कोई भी सीनरी वगैरह आप ले सकते हैं कुछ भी। जैसे मैं ये वाला वॉलपेपर ले रही हूँ, ठीक है। इसे लेने के बाद आपने क्या करना है, अब आपके पास ये अलग से वॉलपेपर आ जाएगा पिक्चर के तौर पे, ठीक है। आपने यहाँ से क्या करना है, ये जो आपको नजर आ रहे हैं बैकग्राउंड, इसकी बैकग्राउंड लेयर भी क्या, मतलब हमारा जो बैकग्राउंड आया है यानी कि जो पिक्चर आई है जो हमने सीनरी के तौर पर लिया है, ये भी लॉक हो गई है, तो इसे भी हमने क्या करना है, अनलॉक करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पिक्चर की लेयर पर डबल क्लिक करके इसे कोई भी नाम दे के ओके कर देंगे तो इसे अनलॉक कर देंगे इस तरह से। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास यहाँ पे पिक्चर वाली फाइल भी और सीनरी वाली फाइल भी है, मुझे क्या करना है, इस पिक्चर को उठाकर अपनी सीनरी वाली फाइल के ऊपर लेकर आना है और यहाँ पर इसके ऊपर सेट करना है। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना होगा, ये पिक्चर वाली फाइल और ये सीनरी वाली फाइल दोनों को आमने सामने लेकर आना होगा। तो दोनों को आमने सामने लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से विंडो में जाएंगे, विंडो में जाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से अरेंज में जाएंगे। अरेंज में जाने के बाद आपने यहाँ से कोई भी टाइल ऑल वर्टिकल या टाइल ऑल हॉरिजॉन्टली में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। मैं जो हूँ मैं सेलेक्ट कर रही हूँ टाइल ऑल हॉरिजॉन्टली, तो इस तरह से ये आमने सामने ऊपर नीचे आ जाएंगे हॉरिजॉन्टली तौर पर। अब मुझे इस पिक्चर को मूव करना है इस वॉलपेपर के ऊपर, इस सीनरी के ऊपर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले मूव टूल लेंगे, पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, मूव टूल लेने के बाद पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करके हम इसे इस तरह से सीनरी या वॉलपेपर के ऊपर ला के छोड़ देंगे तो हमारी वो पिक्चर यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट हो जाएगी, मतलब इस तरह से मूव होके कॉपी पेस्ट हो जाएगी इसे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी पिक्चर वाली फाइल है इसको हम या तो बंद कर देंगे, या तो ये जो हमारी वॉलपेपर वाली फाइल है इसे हम पूरा इस तरह से बड़ा करके ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे ये पिक्चर आ चुकी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस पिक्चर का साइज वगैरह अपने इस वॉलपेपर के ऊपर सेट करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म क्रिएट करेंगे और पिक्चर का साइज वॉलपेपर वगैरह आप सेट कर सकते हैं, साइज वगैरह सेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से किसी भी जगह आप इसकी पोजीशन वगैरह सेट कर सकते हैं। और इसका साइज वगैरह सेट करने के बाद आप क्या करेंगे, एंटर प्रेस करके जो कंट्रोल टी से आपने ट्रांसफॉर्म क्रिएट होगी की होगी उसे एंटर पर प्रेस करके रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पिक्चर या इमेज का बैकग्राउंड जो है सीनरी या वॉलपेपर के जरिए चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने पिक्चर के पीछे क्या दे दिया, सीनरी या वॉलपेपर दे दिया। अब देखिए ये हमारी जो पिक्चर और वॉलपेपर है दोनों अलग अलग लेयर्स की बनी हुई है, मुझे इन दोनों लेयर्स को मर्ज करना है ताकि ये एक ही पिक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस करने से क्या होगा, ये आपकी बैकग्राउंड यानी कि जो ये वॉलपेपर या सीनरी वाली पिक्चर होगी ये और दूसरी जो आपकी इमेज होगी दोनों मर्ज होके एक ही लेयर यानी कि एक ही इमेज बन जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका एडोब फोटोशॉप का लेक्चर नंबर 5 चेंज इमेज बैकग्राउंड विद सीनरी कंप्लीट हो गया है। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसे नोट डाउन करके। मजीद फ्री लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल साहिल ऑर्गेनाइजेशन।